शामिल है अभी। First of all, ma'am, a big congratulations. The trailer has got a huge response from the audience. तो कैसे comments मिलते हैं? पहले तो ये जानना चाहेंगे personally कैसे मिलते हैं? जी, हम दोनों के साथ काफी चीजें हो रही है कि जैसे अभी साना ने बताया कि लोग आके बोलते हैं पहचान में नहीं आ रहे हैं कि आप उस फिल्म में क्या बात कर रहे हो। सेम चीज मेरे साथ भी हो रही है कि आप नहीं हो, नहीं आप नहीं हो। तो ये आई थिंक हम दोनों के लिए इट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर बोथ ऑफ अस। और जब लोग आके बोलते हैं कि ये ऐसी लड़ाइयाँ तो मैं भी अपने बहन के साथ कर चुकी हूँ या अपने भाइयों के साथ कर चुके हैं, तो वो काफ़ी ऐसी चीज़ें अच्छा लगता है देखना कि पीपल कैन रिलेट टू अ स्टोरी लाइक दिस टू, उनके साथ भी ऐसा लाइफ में हो चुका है। करेक्ट। ओके, आप बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, पास जो आपकी मूवी थी दंगल और आपकी डेब्यू मूवी है, तो कैसे रोल प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, हाउ यू प्रिपेयर फॉर द रोल? मेरे लिए ये रोल बहुत चैलेंजिंग था पर्सनली, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैंने कभी, मैं हूँ नहीं उसके आसपास बिल्कुल भी। मैं ये समझती हूँ कि वो अपनी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरी भी बड़ी बहन है और मेरा भी वाइल ग्रोइंग अप उसके साथ ऐसा ही रिलेशनशिप था। पर अदर देन दैट मैं उसको मेंटली समझ ही नहीं सकती हूँ, वो इतनी अग्रेसिव है, इतनी आउट देयर है, शी इज़ वेरी आई थिंक बड़ी ओपन है, वो खुल के एकदम बोल देती है, मुँह फट है। मैं वैसे मुँह फट हूँ नहीं, तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंज था कि मैं अपने आप को एक कंफर्ट जोन जो मैंने क्रिएट कर रखा है एज एन एक्टर, उससे बाहर निकाल कर ये कैरेक्टर को प्ले करूँ। और इसका डेफिनेटली आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अतुल मोंगिया सर, जो हमारे एक्टिंग कोच है इस फिल्म के लिए, और विशाल भारद्वाज सर, जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया हमारी इम्प्रोवाइजेशन, हमारे वर्कशॉप्स, हमारी रीडिंग्स ने, टू फॉर मी टू बिकम छुटकी। जी, मेरे लिए भी यही था, मैं घर की सबसे छोटी हूँ तो मुझे पता नहीं है कि बड़ी बहन बनना होता क्या है। तो मुझे याद है मैं ऐसे जब घर जाती थी तो मैं नोट डाउन करती थी कि सारी चीज़ें जो मेरे भाई ने मेरे साथ की हैं, और मैं उसी तरीके से निभाती थी। एंड मैं काफ़ी ऑब्जर्व करती थी सारे सिबलिंग्स को कि बड़ा वाला कैसे बिहेव कर रहा है और क्यों कर रहा है उसके साथ, ऐसा क्या हुआ, तो मैं बात भी कर लेती थी कि क्या गुस्सा है तेरे को इस पर, तो बोलता रहता था कि इरिटेट कर देती है मुझे या जो भी, तो वो सब मैं नोट डाउन करती थी कि मुझे पता लगे कि कैसा है बड़ा, माइंडसेट क्या होता है एक बड़ा सिबलिंग का। दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी आल्सो। मैं बाहर से तो बड़की थी पर मैं अंदर से बड़की नहीं थी, मेरी बॉडी तो सब बोलती थी कि मैं बड़की हूँ, बट मेरा अंदर से जो जिसने मुझे फील कराया बड़की, वो अतुल सर है, अतुल सर एंड विशाल सर उन वर्कशॉप्स के अंदर। एंड आई थिंक सान्या के साथ, हमारे साथ उल्टा था, मुझे अंदर से बढ़ के बनना था और इसको बाहर से छुटकी बनना था, ये अंदर से छुटकी थी, तो हमारी चीज़ें भी ऑपोजिट होती थी जिस पे हमें वर्क करना था। ओके राधिका, इट्स योर डेब्यू मूवी और ये एक बहुत ही डीप ग्लैमरस रोल है, और हमने देखा है कि जो पहले जो डेब्यू करते हैं, जो पहले रोल करते हैं, वही फिर उसको ऑफर होते रहते हैं, तो व्हाई यू हैव चूज दिस वन? जी, इट्स विशाल भारद्वाज फिल्म पीरियड, उसमें वो मुझे चूहा बनाए, कुछ भी बनाए, मैं बन जाऊंगी। अगर गणेश जी के साथ में बैठने के चूहा का रोल है तो वो भी कर लेते, डीग्लैम तो छोड़ो। ऑल्सो तो आई रियली वॉन्टेड टू लिव चंपा कुमारी इज लाइफ, जब मैंने वो रीड किया मुझे था कि मुझे चंपा कुमारी बनना है कम वॉट में, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बोला बस मुझे बस ट्रांसफॉर्म कर दो आप। मैंने आई थिंक हम वो ज़माना बदल गया है यार, कि जहाँ पर कि बाल उड़ रहे हैं करके तुम्हारा डेब्यू हो रहा है, इंट्रोड्यूसिंग राधिका मदान करके, ऐसे नहीं यार, अभी लोगों को एक्टिंग देखनी है और पैसे अपने अगर वो 300 रुपये दे रहे हैं तो वसूल होने चाहिए यार। ओके सानिया, आपकी बैक टू बैक दो बड़ी मूवी आ रही है, सो वाज इट इजी और टफ वन होने वाली, क्योंकि बैक टू बैक दो मूवी को प्रमोट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, सो इट गोइंग टू बी इजी और टफ? जी, पैर टूट गया। प्रमोशंस मुश्किल है बैक टू बैक करना दो फिल्मों के, अदर देन दैट बैक टू बैक फिल्में करना इतना मुश्किल नहीं था। अगर टाइम मिलता है अपने कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करने के लिए तो फिर कोई टेंशन नहीं है मुझे। अदर देन दैट मैं दोनों बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों फिल्में मेरे बहुत दिल के करीब है, पटाखा मेरे बहुत दिल के करीब है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि ये दोनों फिल्में करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत पॉजिटिव फील आया कि ये कुछ अच्छा बना रहे हैं, एंड आई एम डेड श्योर पीपल विल लाइक इट। जी, हम सेकेंड हाफ में दिखा रहे हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं,
तो बीत जाने का मतलब ये है कि हम एज भी होंगे काफ़ी, तो मतलब तो आई थिंक कि मोटापे से जितना एज आती है और किसी चीज़ से नहीं आती, आप मेकअप मेकअप से नहीं बना सकते हैं। एंड प्लस मोटापे के साथ और क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद बदल जाती है। जो आप इतना एक्टिव हैं, जो आप इतना ऐसे हैं, आप थक करके बैठे रहेंगे क्योंकि आप हिल थकान नहीं सी आ सकते। जाती है। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म, कॉन्ट्रास्ट लाने के लिए, कंट्रास्ट लाने के लिए कि क्या पोस्ट है। मैरिज एंड प्री मैरिज का। जी, तो आपको पूरी जर्नी दिखेगी बेसिकली फ्रॉम 16 इयर्स टिल से 28-30 ऑफ चंपा कुमारी एंड गेंदा कुमारी। सो ये सर ने पहली चीज़ बोली थी हमसे कि 10 KG बढ़ा लोगी और टैन हो जाओगी कि नहीं, बस ये दोनों रिक्वायरमेंट्स थी उनके, तो इसलिए। ओके, ट्रेलर के अलावा और एक जो बहुत फेमस हो रही है इसमें वो है गोबर फाइट, आपकी जो गोबर फाइट है उसके कोई अगर मेमोरी शेयर करना चाहे। जी, मेमोरीज तो बहुत काफ़ी हैं। इंटेंस शूट था फॉर बोथ ऑफ अस। उससे पहले हम एक फ़ाइट कर चुके थे जो भी आपने ट्रेलर में देखी होगी, वो पहला फ़ाइट था। बट दिस वन वाज इमोशनली ड्रेनिंग फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि बहुत लंबा सा कोरियोग्राफी था, हम दोनों बहुत गुस्सा थे, बहुत इमोशनल थे और बहुत इंटू द कैरेक्टर थे व्हाइल वी वर डूइंग इट। जब शूट ख़त्म हुआ तो हमने पहले तो सर को एक चीज़ बोली थी कि जब अंत आ रहा था उस फाइट का, शूट का, हमने वी टोल्ड सर कि आप ना कट मत बोलेगा, हम करते रहेंगे और आप को जो अच्छा लगे हम आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाते रहेंगे, आप कट मत बोलना। तो उन्होंने तब तक कट नहीं बोला जब तक लिटरली हम दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी खड़े होने की, और हम लोगों को उठा उठा के खड़ा करना पड़ रहा था क्योंकि हम बहुत ड्रेन हो चुके थे फिजिकली एंड इमोशनली। वो शूट ख़त्म हुआ और हम लोग एक कोने में जाके दुबक के बैठे हुए थे और गोबर लगा हुआ था पूरी बॉडी पे, तो विशाल जी गरम गरम पानी ऊपर डाल रहे थे क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, बारिश का सीक्वेंस था। और आई डोंट थिंक सो हम रूम में गए वापस अपने जहाँ हम मेकअप करते थे, वहाँ पे वहाँ हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हम दोनों रोने लग गए थे क्योंकि हम इतने ओवरवेल्म थे जो हम सीन करके आए थे उससे, और बस समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किसी मैंने मैंने अपनी फैमिली को टेक्स्ट किया कि मैं अभी किसी से बात नहीं करूँगी कुछ दिनों तक, तो मैं अपना फ़ोन ऑफ़ कर रही हूँ। मैंने अपना फ़ोन ऑफ़ किया क्योंकि मैं एकदम ड्रेन थी इमोशनली और फिजिकली जिस तरीके का हम सीन शूट कर कर आए थे। ऑल्सो मतलब उस टाइम पे जब हम रो रहे थे, झाग भाग करके रो रहे थे, रियलिटी भी आपको सिंक इन करती कि हम अपोलोजाइज किए जा रहे थे कि आई एम सॉरी, या जोर की लगी तुझे लगी तो नहीं, या मैंने ही मार दिया था, एंड तब तब और रोना आ रहा था। बिकॉज ठीक है हम कैरेक्टर्स हैं बट हम राधिका एंड सान्या भी हैं, वो आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो या दैट वॉज अ वेरी स्पेशल फाइट फॉर अस, इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइट इन द होल फिल्म। ओके, लास्ट टू क्वेश्चन, आपकी मूवी क्लैश करने जा रही है सुई धागा से, हाँ एंड जी, इट्स एन डेब्यू मूवी, सो डू यू हाँ जी, थिंक इट कैन बी इफेक्ट योर मूवी, बिकॉज इट्स डेब्यू मूवी और वरुण धवन और पहली बार अनुष्का स्क्रीन शर्मा में एक फ्रेश जी, हाँ जी, जोड़ी आ रही है। कि क्लैश नहीं बोला क्लैश नहीं जाए, बोलेंगे, दोनों रिलीज हो रही है, आप दोनों जाइए यार, दोनों देखिए, और दोनों सेकेंड मूवी अक्टूबर देखिए, है, छुट्टी भी है तो छुट्टी भी दोनों, है, आपको दोनों सब बहुत टाइम देखेंगे। मिलेगा आपको दोनों फिल्में देखने ऐसे का। नहीं कि हम जीतेंगे और वो हारेंगे, ये ऐसा कोई नहीं होता है। कंपटीशन नहीं है। और वो मतलब सुई धागा का ट्रेलर आपने भी बहुत देखा अच्छा होगा, है हम सुदेव दोनों को ट्रेलर, बहुत बहुत पसंद अच्छा आया है। और मैं खुद देखना पसंद करूंगी, ये नहीं कि मेरी फिल्म आ रही है तो क्लैश हो रहा था उनकी फिल्में नहीं देखेंगे। बट आई एम अ ह्यूज वरुण धवन एंड अनुष्का हाँ, मी शर्मा टू। फैन, दे आर टू वेरी इंस्पायरिंग एक्टर्स एंड आई वुड वॉन्ट टू वॉच दैट फिल्म टू। तो आई वोंट कॉल इट अ क्लैश बट आई वुड कॉल इट कि दो फिल्में हैं जो सेम डे पे रिलीज हो रही हैं। एंड बोनस है आप लोगों के लिए, आप दोनों देखिए, दोनों बहुत एज एन अच्छी ऑडियंस तो अच्छी बड़ा एक्साइटिंग चीज़ है कि हाँ दोनों फिल्में देखने का मौका मिले। ओके, लास्टली 28 को मूवी आ रही है हाँ जी, आपकी, तो क्या कहना चाहिए इन बड़ी है बहुत छुटकी स्टाइल, इन बड़की इन छुटकी स्टाइल कुछ नया करते हो और ठीक हाँ। है कहा ठीक नया बड़ी करना, को तो को मैं हूँ सॉरी गेंदा कुमारी उर्फ छुटकी इन द मूवी पटाखा। आई एम जी बड़गी चंपो कुमारी पटाखा में, और और हमारी फिल्म 28 सितंबर को आ रही हो है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में प्लीज जाना, और ऐसा और टिप्पर कहते हैं नजदीकी सिनेमा घर में आवे है, रसोई घर में नहीं, अरे तो बहुत घर ही से बाहर निकल के देखना है पटाखा। बहुत गंदा जोक है, आप बस चले जाना, उसमें अच्छे जोक्स हैं। थैंक यू थैंक यू। ओके।